थम्मा गणी, मेरा बालम थालीदार के सभी फैंस, सभी व्यूअर्स, आप सब लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो भी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं। देखिए, बिना देर किए सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। आप में से कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या मेरा बालम थानेदार ऑफेड जा सकता है, तो आपको बता दूं कि खतरे की तलवार लटक रही है एक बार फिर से मेरा बालम थानेदार के ऊपर। मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला है कि मेरा बालम थानेदार इज अंडर स्कैनर, ये बात सच है। हालांकि आज टीआरपी आई है और मेरा बालम थानेदार की टीआरपी बढ़ चुकी है, 1.5 हो चुकी है, पिछले हफ्ते 1.4 थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अपोलिना शो आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है अपोलिना आ रहा है, लेकिन अपोलिना को एक स्लॉट चाहिए, एक घंटे का स्लॉट बिग बॉस ने ले रखा है। अब ये जो नया शो आ रहा है, ये शो किसी शो को हटाने के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि फिलहाल कलर्स के पास अगर आप नोटिस करें कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहां पर इतना बड़ा शो लॉन्च किया जा सके। लेकिन जहां पर दुख है वहां पर खुशी भी है। दुख इस बात का है कि ऑब्वियसली अंडर स्कैनर है, इसलिए आप शो के अंदर बहुत सारी चीजें फास्ट रफ्तार से देख रहे हैं, तीव्र गति से देख रहे हैं। लेकिन इस तीव्र गति में एक अच्छी चीज हुई है, टीआरपी में इस वीक जो पिछले मतलब नवरात्रि के दौरान की टीआरपी ये है, शो की टीआरपी बढ़ गई है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मेरा बालम थानेदार कलर्स टीवी के बाकी कई शो से भी आगे है, उन शो से भी जो कि अभी अभी लॉन्च हुए हैं, तो ये आप लोगों का प्यार है, इसे बनाए रखिए। अब इस शो को ऑफर होने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए, मैं मेकर नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ फिलहाल, और न ही मैं कलर्स टीवी से ताल्लुक रखता हूँ ऑफिशियली, कि मैं आपको दावे से बोल सकूँ, मैं या कोई भी आपको दावे से बोल सके कि ये शो ऑफर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि खबरें आ रही हैं और मुझे भी एक सोर्स से कंफर्मेशन आया है कि शायद जा सकता है, शायद का मतलब 50-50। अब एक नए वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो तरीका, वो रामबाण जिसकी वजह से कई बार शोज ऑफर होने से बच गए हैं। लेकिन फिलहाल द थिंग इज, प्रे कि ये शो ऑफर नहीं जाए, देखते रहिए इसे टीवी के ऊपर, क्योंकि मेरा बालम थानेदार वाकई में बहुत ही अच्छा शो है और ऐसे शो चलते रहने चाहिए, ऑफर नहीं होने चाहिए। अब इसके अलावा कल के एपिसोड में क्या होगा ये भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मैं और भी फेवरेट आपके शो से जुड़ी अपडेट्स देता रहूँ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए मेरा बालम थानेदार ऑन कलर्स टीवी एंड जियो सिनेमा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर।